भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी के कार्य समिति की बैठक चैनपुरा स्थित भवन में भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार बघेल ने बैठक की प्रस्तावना रखते हुए गत विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के परिश्रम के लिए बधाइयां दी और भाजपा जिला विदिशा द्वारा आगामी लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल लटेरी के महामंत्री राम गुलाम राजौरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी विश्राम नहीं करता। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को साकार करने में लगे हैं, इसलिए ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में हमको सर्वाधिक 48% वोट प्राप्त हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता मेहनत करके इसको 60% तक लेकर जाना है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। हम सबको अपना बूथ मजबूत करना है, इसलिए इसके साथ ही आगामी समय में युवा सम्मेलन, अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यक्रम भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर अलग से ही इसकी व्यवस्था करनी है। साथ ही हम सब कार्यकर्ता प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। सिरोंज लटेरी के लोकप्रिय विधायक मकान शर्मा भी निरंतर भाजपा को मजबूती के लिए और गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो भाजपा की विजय का संकल्प मन में धारण करता है, बंधन का अधिकारी है। वे कार्यकर्ता जो भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके अमूल्य समर्पण के कारण हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। हम उनको कृतज्ञता पूर्वक याद करते हैं। वही दूसरी ओर सत्य कुशाभाव कार्य जन्म सदा दिवस से लगातार 2 वर्षों से बूथ विस्तार अभियान से लेकर मतदान के दिन जागरण अभियान तक कथक और कन्वर्त परिश्रम करता हुआ कार्यकर्ता जो भ्रमण अभियानों और गतिविधियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करता रहा है, इस जीत का संवाहक बना है। यही कार्यकर्ता जनता के बीच पार्टी का चेहरा है और यही भरोसा प्राप्त करता है। बूथ विस्तार योजना बूथ मतलब सशक्तिकरण भी होता है। संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बड़ी भागीदारी हुई है। बूथ और पन्ना के दायित्व हमारी महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है। जब दल में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कार्यकर्ता हो और समाज में प्रतिभा दलों में स्थान और सम्मान पाकर नेतृत्व की प्रक्रिया से गुजरने लगे तो निश्चित ही दल का नहीं अपितु लोकतंत्र का भला भी होता है। इस योजना में बूथ पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को चुनाव के अलावा भी सम्मान, पहचान और दायित्व देने का कार्य हुआ है। इनका महत्व मात्र चुनावी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के अहम उपकरण के तौर पर भी सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लोकतंत्र में किसी भी दल संवाद एक जरूरी व्यवस्था होती है। लगातार संवाद और सीधा स्पष्ट संदेश की स्पष्टता होने के कारण अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। स्वाभाविक है तकनीकी से मुझे दूर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सोवी कठिनकरण होने से नेतृत्व के साथ द्विदर्भीय सम्मान मानने का प्रबंध आसान हुआ है। प्रत्येक पार्टी और पार्टी होने के कारण मान्यता की हामी है। इसी कारण हम अपनी विचारधारा, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों और नीतियों पर कार्यकर्ताओं प्रशिक्षणों की एक सुनियोजित परंपरा विकसित की है। भाजपा पार्टी मध्य प्रदेश यात्रा विधानसभा देश के हर शहर,
हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।